बहू, ओ बहू। अरे ये मेरी बहू रानी पता नहीं कहाँ रहती है। जी सासु अरे मेरी बहू रानी, चाय बना दी है मैंने, तुम बर्तन साफ कर लो। ठीक है, बोल दिया सासू माँ ने, मैं बहू क्या बड़बड़ा रही हो, बर्तन धो दो बर्तन। चैन नहीं है, चैन जब देखो तब काम ही काम करती रहती हूँ। क्या है ये? बर्तन कैसे अच्छा धोते हैं? अब तुम बड़बड़ाना छोड़ो, ठीक है ना? तुम बर्तन मांजो, इतना सोचो मत। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये बर्तन वर्तन तुम्हें नजर नहीं आते हैं कि पड़े रहते हैं? इन्हें भी मांजने हैं, साफ करने हैं, ये भी मैं ही करती रहती हूँ। बाकी तुमसे सिलेंडर उठवा लो, बल्ब लगवा लो, सीढ़ी चढ़वा लो, तो वो तुम एकदम से चढ़ जाओगी। सीढ़ी सिलेंडर तुम यूं घुमा के उठा लोगी। सासू माँ जरूर थोड़ी ना कि सारे लेक लेडीज लेडीज वाले काम कर सकती है। अरे मर्दों की भी जान होती है उसके अंदर, और कोई कोई लेडीज तो मर्द ये होते सब हैं। काम कौन करेगा? देखो, चाय तुमसे नहीं बनती, सब्जी तुमसे नहीं बनती, बर्तन तुम नहीं मांजती हो। इससे धोते इससे नहीं धोते हैं, कल की गंदी। पता नहीं मेरा नालायक बेटा कहाँ से ले आया ये बहू, पहलवान बहू। इसका तो मुझे समझ नहीं आता, इसने तो दुखी कर दिया मुझे। वो साबुन रखी है ना बर्तन मांजने की, वो जूना वो है, उससे मांजते हैं। ठीक है, हाँ इससे मांजते हैं बर्तन। ठीक है, अब सासू मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे तुम कुछ ना मेरी बताओ, बहू मैं तो खुद देख रही हूं अपनी आंखों से। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकती। ये तुमसे सारे मुझे समझ नहीं आती बहू। एक बात कहूं मैं, तुम लेडीज काम तो कर नहीं पाती हो, बाकी तुम मर्दाना जितने भी काम है वो तुम अच्छे से कर लेती हो। बहू ना। मर्द वाली बहू, सासू माँ क्या आप ही बात कर रही हैं? अरे मैं बात कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा बेटा है क्या ना, उसने 6 महीने में मुझे बहुत कुछ करने दिया है अपने साथ। अरे करने दिया है? क्या मैंने उसको बहुत टोका है। करता है? करता है वैसे एक बात बताऊं, जब करता है तो फिर तुम बच्चा क्यों नहीं दे रही मुझे? सासू माँ फिर आप कहाँ बात ले रहे हैं? कैसे आपके सुई बच्चे पे अटकती है क्या? अब मेरी सुई तो अटकेगी ना, अभी मैं क्या करूं? मैं अकेली सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, मुझे एक बच्चा चाहिए खिलाने कूदाने के लिए। ठीक है ना, तो मेरा टाइम पास हो जाया करेगा बहू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मुझे बच्चा दे दो। ठीक है, अच्छा तुम अब बहू बातें ना मनाओ। हाँ कौन बच्चा बच्चा करती है ना, हाँ हाँ तुम्हारे कर दूंगी बच्चे हैं। क्या सुन लिया मैंने? मेरे कर दोगे बच्चा? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। बहू बोल तो रही हो तुम, सुन लिया है मैंने। ठीक है ना, अब तुम ना ज्यादा बनो मत, तुम ना आज मुझे घूंघट दिखा दो। मुझे तो तुम पे वैसे भी शक होता है, ये घूंघट तुम हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ तुम। सासू माँ सुनो एक तो, तो तुम्हारी हरकतें मर्दाना, और तुम्हारी बातें भी मुझे कुछ अजीब अजीब लगती हैं। एक और बच्चे तुम्हारी पक्का तो बहू, देखो, मैं बताऊँ ना, मुझे ना नीयत भी मुझे लेके ना सही नहीं लगती, तुम्हारी एक बच्चे पक्का हरकतों से देखो, पता चलता है मुझे। एक बच्चे पक्का देखो, पता लग जाएगा कितना मर्दानी है। क्या अरे मतलब मेरी माँ जी, कहने का मतलब ये है कि देखो मुझे कितनी मर्दानी है, लेकिन हूँ मैं बहुत सिंपल सी, प्यारी सी, नाजुक सी लड़की। वो तो दिखता है कितनी सिंपल और कितनी नाजुक। नाजुक तो तुम खैर हो नहीं कहीं से, बहुएं ऐसी नहीं होती हैं। माँ जी देखो मैंने देखा है, ठीक है, हर जगह बहुएं ऐसी होती हैं, ढीली ढीली सी, पर यूं रहती हैं ऐसे। अरे हम बहुएं तो हम, बहू ना लगती तुम मुझे, ये देखो ऐसे डोले हो करें बहुओं के, और ये कमर देखो पतली नहीं है लड़कियों की तरह, ऐसा कमरा जैसा है, मर्दाना वो लगते तुम्हारी कमर। अच्छे तो गत्ते पे चलो फिर बताती हूँ कितनी कमर है कितनी नहीं। क्या अरे कहने का मतलब है माँ जी कि क्या बताऊँ आपको, आप ये
करने दूं, काम होते तो नहीं है, बर्तन साफ तुमसे नहीं होते। तुम मोटा इतना ही देते, काम कैसे होगा तुम्हारा? क्या कहा? मेरा काम? अरे कहने का मतलब है आपको ये काम, ये। हाँ ठीक है, चलो कर लो तुम काम फिलहाल, देखूंगी मैं तुम। आज तो मैं घूंघट तुम्हारा दिया है उठा के देखूंगी। अरे माजी यार प्यार, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे को आज नहीं छोड़ूंगी, वैसे भी मुझे शक होता है इसकी हरकतों पे यार। आज रात को कम कर लेगा, आती हूँ। ऐसे करते हैं इसको। हाँ यार, ऐसे ही कौन सा माजी को पता लग रहा है, धुले या नहीं धुले, पानी मार के रख देती हूँ खाली।